हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मेरा नाम इकराम और आज मैं आपके लिए लॉगिन सिस्टम का एक पेज लाया हूँ। इसमें एक नई चीज मैं लाया हूँ कि अगर कोई यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करे, जैसे ही लॉगिन करे तो एक्चुअली क्या होता है, पहले की जो लॉगिन पेज था, हम जैसे ही लॉगिन करते थे एक नई विंडो खुल जाती है। बट यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लगाया कि इन दो बटनों पे वर्क किया मैंने, तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ये दो बटन अभी हाइड है, देखिए कलर अलग है। जैसे ही मैं इसे लॉगिन करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएंगे दोनों बटन, अभी काम नहीं कर रहे। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वर्क नहीं कर रहे, लेकिन अगर जैसे ही लॉगिन करते ही ये अनहाइड हो जाएंगे। अनहाइड हो जाएंगे तो हम एक नई विंडो खोल सकेंगे, पेशेंट के रजिस्टर सिस्टम में एंट्री कर सकेंगे और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम एंट्री कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लॉग इन करके देखते हैं। मैंने अपना यूज़र नेम रखा है इकराम, अपना नाम ही रखा है और इसमें पासवर्ड दिया था मैंने 1 2 3 4 5। एंड जैसे ही मैं लॉग इन करूँगा तो ये अनहाइड हो जाएंगे, दोनों बटन अनहाइड हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, लॉग इन करते हैं। लॉग इन किया, देखिए अनहाइड हो गए। अब मैं इस पर ये बटन अब वर्क करेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए नया पेज ओपन हुआ, पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या कैसा है। अगर ये अगर अच्छा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर ही वर्क करके एक नया प्रोजेक्ट तैयार करूँगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और दूसरा जो हमारा विंडो खुल के आएगा, दूसरा बटन दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का विंडो ओपन होगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रोजेक्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आगे इस पर वर्क कर सकूं। तो चलते हैं, मैं इसके थोड़ा बहुत कोड भी, सोर्स कोड में चलते हैं, सोर्स कोड भी आपको दिखा दूँ। तो ये मेरा सोर्स कोड है, मैंने इसमें tkinter इम्पोर्ट कराया है, मैसेज बॉक्स इम्पोर्ट कराया है, TTK, तो भी बहुत सारा वर्क है इसमें। हम मैंने रैंडम टाइम सब कुछ ने इंपोर्ट करा दिया, वैसे इस सब चीज़ों की अभी लॉगिन में ज़रूरत नहीं है बट आगे वर्क करना था इसलिए मैंने इंपोर्ट करा दिया इसमें। और यहाँ पर मैंने एक क्लास विंडो वन नाम का एक क्लास बनाया है, यहाँ पर तीन विंडो है तो मैंने तीन विंडो बनाया है, एक विंडो है यहाँ पर है और दो नीचे, अभी मैं वहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा विंडो यहाँ पर और तीसरा, तो ये फंक्शन विंडो मैंने बनाया है। इस विंडो में, फर्स्ट विंडो में मैंने यहाँ पर सारे चीज़ें, लॉगिन पेज, उसकी साइज़, विंडो की साइज़ कितनी होनी चाहिए, फिर उसके बाद मैंने फ्रेम बनाया, एक फ्रेम के अंदर मैंने क्या किया, लॉगिन सिस्टम लिखा है, दूसरा एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम के अंदर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड सारी डिज़ाइनिंग की है, मैंने लेबल लगाया है यूज़र नेम का, पासवर्ड का, फिर मैंने एंट्री बॉक्स लगाई, दो दो लगाई है यहाँ पर, देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए एंट्री बॉक्स दिए है मैंने, यहाँ पर बटन दिया है मैंने, यहाँ पर तीन बटन दिए हैं। मैंने तीन बटन दिए हैं लॉगिन के लिए, रीसेट के लिए और एग्जिट के लिए। और यहाँ पर मैंने दिया है सेल्फ डॉट बटन रजिस्ट्रेशन, हाँ यहाँ पर मैंने दो बटन दिए हैं जो कि ओपन होगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और हॉस्पिटल सिस्टम। यहाँ पर लॉगिन का फंक्शन एक दिया है मैंने बनाया है, इस फंक्शन को वर्क करेगा, फिर यहाँ पर एग्जिट का दिया है मैंने फंक्शन, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन को ओपन करने के लिए यहाँ पर फंक्शन दिया है, जैसे उस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये फंक्शन वर्क करके और एक नई विंडो ओपन कर देगा, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो हॉस्पिटल से रिलेटेड और पेशेंट से रिलेटेड दोनों विंडो, हॉस्पिटल और ये पेशेंट के लिए। और यहाँ पर विंडो दूसरा जिसमें ओपन होते ही मैंने यहाँ पर लिख दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम खुले ये तो शो करे और यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शो करे। यहाँ पर रूट TK किया मैंने एंड इक्वल विंडो वन रूट, यानी कि विंडो वन जो हमारे रूट में वो हमारा शो करे, और रूट डॉट मेन लूप यानी कि पूरे रूट को, यानी पहले विंडो को वो शो करे, इसलिए मैंने यहाँ पर रूट डॉट मेन लूप कर दिया है, रूट के अंदर है।
रूट के अंदर मैंने मास्टर नाम का बनाया है, तो मास्टर दिया है, तो मास्टर इक्वल मास्टर किया मैंने यहाँ पर, मास्टर डॉट टाइटल, यानी कि रूट के अंदर अब जो हमारा मास्टर चल रहा है उससे, उसके अंदर ही सारा काम करेगा। ओके, थैंक यू।